नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा चर्चा का बिंदु है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहर सभ्यता। कौन सी सभ्यता छात्रों? आहर सभ्यता। छात्रों, आहर सभ्यता के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आहर सभ्यता में हम इसके कहां पर स्थित है, ये इसका उत्खनन किसने करवाया, ये इसका उत्खनन कितने चरणों में हुआ, यहां से कितने स्तर हमें प्राप्त हुए, यहां से क्या क्या सामग्री जो हमें प्राप्त होती है और जो सामग्री हमें प्राप्त होती है उनसे हमें किन किन बातों की जानकारी प्राप्त होती है, तथा आहर के कृषि के बारे में हम इसमें देखेंगे, आहार के व्यापार के बारे में हम देखेंगे, आहार के लोगों के रहन सहन के बारे में भी हम इसमें देखेंगे, और आहार जो सभ्यता है, आहार सभ्यता का जो इतिहास में क्या महत्व है उसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो आहार नामक पुरातात्विक स्थल है, ये अत्यंत ही प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल है। 4000 वर्ष प्राचीन ये जो हम संस्कृति है, आहर संस्कृति, आहर नदी के किनारे जो ये विकसित हुई। छात्रों, इस संस्कृति को आहर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आहर नदी है, आहर नदी जिसे बेड़स नदी के नाम से भी हम जानते हैं, ये आहर नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? ये बनास नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों, जो आहर सभ्यता है, आहर सभ्यता के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो आहर सभ्यता है, ये आहर सभ्यता की स्थिति अर्थात ये आहर सभ्यता कहाँ स्थित है? आहर सभ्यता, छात्रों, आहर सभ्यता स्थिति कहां पर स्थित है छात्रों? ये है छात्रों उदयपुर में आहर नामक स्थान उदयपुर में आहर नामक स्थान है। छात्रों, ये उदयपुर शहर के अंदर ही स्थित है वर्तमान समय में, इसलिए उदयपुर में ही स्थित है। आहर नामक स्थान पर उदयपुर में क्या है, ये सभ्यता स्थित है। इसका विकास हुआ नदी तट अर्थात किस नदी के किनारे इसका विकास हुआ? आहर नदी। इसे आहर नदी को बेड़स नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो अभी अपन चर्चा करेंगे। छात्रों, ये प्राचीन नाम आहर सभ्यता है, इसके प्राचीन नाम कौन कौन से थे छात्रों? तो प्राचीन नामों के बारे में देखते हैं। छात्रों, इसके प्राचीन नाम थे ताम्र नगरी, आधाट दुर्ग। छात्रों, जो आहर सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, किस प्रकार की सभ्यता थी? ये ग्रामीण प्रकार की सभ्यता थी, बड़े बड़े नगरीय सभ्यता ये नहीं थी। छात्रों, आहर जो सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता है? ताम्र युगीन व लोह युगीन। ताम्र युगीन भी है छात्रों और लोह युगीन भी है, तो इसे दोनों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए। किसके उपकरण छात्रों? तांबे के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? आहर नामक पुरातात्विक स्थल से, और लोह युगीन है अर्थात लोह युगीन संस्कृति ये, इसलिए क्या है, यहाँ से क्या है कि लोहे के उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इसे लोह युगीन संस्कृति कहा गया है। तो यहाँ से दो प्रकार के उपकरण प्राप्त होते हैं, लोहे के उपकरण प्राप्त और तांबे के भी उपकरण क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तो आहर सभ्यता ताम्र युगीन भी है और लोह युगीन भी ये है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो आहर सभ्यता है, आहर सभ्यता की प्राचीनता अर्थात ये कितनी प्राचीन थी, प्राचीनता में
इसकी ये प्राचीनता में छात्रों इसमें दो अलग अलग बातें बताई गई है, जैसे जो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कार्बन C14 कार्बन पद्धति के C14 कार्बन कार्बन पद्धति के अनुसार 14 कार्बन पद्धति के अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तथा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईस्वी पूर्व से गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व 1200 ईस्वी पूर्व गोपीनाथ शर्मा क्या बताते हैं छात्रों कि 1900 ईस्वी पूर्व से ये 1200 ईस्वी पूर्व प्राचीन थी, जबकि कार्बन जो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व ये प्राचीन थी, अर्थात कितनी प्राचीन हो गई 4000 साल 4000 वर्ष प्राचीन हो गई है। छात्रों जो इसका जो उत्खनन होता है, उत्खनन करता कौन है, उत्खनन और खोज करता, पहले खोज करता देखते हैं छात्रों, इसका जो खोज करता है या इसकी जो प्रथम बार जो उत्खनन हुआ वो कब हुआ, 1953 ईस्वी अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बाद में जो इसका पुनः उत्खनन होता है, उत्खनन कब होता है छात्रों, इसका उत्खनन होता है तीन चरण में, इसका उत्खनन होता है अर्थात तीन बार इसका उत्खनन होता है। पहला कब है छात्रों, इसका उत्खनन है इसका हो रहा है 1954 आरसी अग्रवाल 1954 ईस्वी, इसके द्वारा आरसी अग्रवाल ब्रैकेट में रतन चंद्र अग्रवाल ब्रैकेट में रतन चंद्र अग्रवाल। छात्रों इसके बाद में जिसका उत्खनन होता है 1961-62 वी एन मिश्रा व एच डी साकलिया द्वारा इसका क्या है उत्खनन होता है। छात्रों राजस्थान सरकार द्वारा भी इसका क्या है उत्खनन करवाया जाता है, और राजस्थान सरकार द्वारा विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती के नेतृत्व में उत्खनन। छात्रों जो ये आहार सभ्यता है, आहार सभ्यता उदयपुर के आहार नामक स्थान पर ये स्थित है, उदयपुर शहर में ही जो आहार नामक स्थान है उदयपुर शहर में स्थित है, और जो ये सभ्यता का विकास जो आहार नामक स्थान पर हुआ, नदी का जब तक है अर्थात जिस नदी पर ये सभ्यता पनपी वो नदी कौन सी है, आहार नदी से बेड़स नदी के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, इन गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, ये नदी कौन सी नदी है, आहार नदी। कौन सी नदी छात्रों, आहार नदी। ये नदी
इस नदी के जो किनारे क्या हुआ कि आहार सभ्यता का विकास हुआ। कौन सी सभ्यता का? आहार सभ्यता। आहार सभ्यता का यहाँ पर विकास होता है। ये नदी छात्रों आगे आगे जाके क्या हो जाती है, ये जो उदय सागर झील, उदयपुर के अंदर एक झील है छात्रों, उदय सागर झील के अंदर ये मिल जाती है। और यहाँ से जब ये नदी निकलती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़स नदी। बेड़च नदी। तो इसीलिए छात्रों भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि आहार नदी और ये बेड़च नदी एक ही नदी है। प्रारंभ में आहार नदी कहलाती, बाद में बेड़च नदी कहलाती है। छात्रों इसी नदी के आगे किनारे आगे बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में, बालाथल सभ्यता यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर जिले में। और छात्रों ये नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी। किसकी? बनास नदी की। इसीलिए छात्रों जो ये आहार सभ्यता को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास नदी की सहायक नदी होने के कारण आहार नदी बनास नदी की सहायक नदी है। इसीलिए जो इसे आहार सभ्यता को बनास संस्कृति या बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों जो इसका प्राचीन नाम है, अर्थात जो आहार नामक स्थान है, आहार नामक स्थान का जो प्राचीन नाम है इस संस्कृति का, ताम्र नगरी इसका प्राचीन नाम है, अघाटपुर इसका प्राचीन नाम है, अघात दुर्ग इसका प्राचीन नाम है। क्यों प्राचीन नाम है छात्रों? प्राचीन नाम इसलिए क्यों तांबे का भारी मात्रा में यहाँ पर उपयोग किया जाता था, तांबे का यहाँ पर निर्माण किया जाता था, तांबे से बनी हुई वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, तथा जो आघाटपुर यहाँ पर एक दुर्ग हमें प्राप्त होता है छात्रों, जो क्या है कि अघाट दुर्ग यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या है छात्रों, ये इसका प्राचीनतम नाम क्या क्या है? ताम्र नगरी प्राप्त है। अघाटपुर जो ताम्र नगरी इसका प्राचीन नाम है, तथा अघाटपुर इसका प्राचीन नाम है, और अघाट दुर्ग भी इसका प्राचीन नाम है। छात्रों ये किस प्रकार की सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। बड़े बड़े नगरों का उल्लेख नहीं मिलता, जिस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी, परंतु ये क्या थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आहार जो सभ्यता है छात्रों, इसके लिए क्या लिखेंगे हमें? ये क्या थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। छात्रों जो ये आहार सभ्यता है, आहार सभ्यता किस युग की सभ्यता है? छात्रों ये दो युगों को कवर करती है, अर्थात ये ताम्र युगीन सभ्यता भी है और लोह युगीन सभ्यता भी है। छात्रों यहाँ से क्या है कि ताम्र युगीन सभ्यता है, इसलिए कि यहाँ से भारी मात्रा में जो तांबे के हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं, साथ ही यहाँ से हमें लोहे के उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। तो तांबे के उपकरण प्राप्त होने के कारण क्या कहलाई? ये ताम्र युगीन सभ्यता कहलाई। तथा लोहे के उपकरण प्राप्त होने के कारण क्या कहलाई छात्रों? ये लोहे युगीन सभ्यता के नाम से जानी गई। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये आहार जो संस्कृति है, आहार संस्कृति दो प्रकार की संस्कृति है, ताम्रयुगीन तथा ये कौन सी संस्कृति है? ये लोहयुगीन संस्कृति है। छात्रों जो आहार नामक जो स्थान है, आहार नामक स्थान की जो खुदाई की गई सबसे पहले जो खुदाई कहाँ की गई? ये की गई धूलकोट। ये टीला है छात्रों, कौन क्या है? ये टीला, ये आहार के अंदर एक टीला है। इस टीले की सर्वप्रथम खुदाई की गई, और सर्वप्रथम खुदाई की गई तथा व्यापक स्तर पे खुदाई की गई छात्रों, व्यापक स्तर पे जो खुदाई की गई छात्रों, किसने करी? आरसी अग्रवाल ने। किसने की छात्रों? वो की थी आरसी अग्रवाल। उन्होंने क्या किया कि खुदाई करवाई। तो 1954 ईस्वी में आरसी अग्रवाल द्वारा, जिन्हें रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा सर्वाधिक व्यापक स्तर पर तथा सर्वप्रथम खुदाई करवाई गई। किसकी? धूलकोट टीले की खुदाई। किसकी? धूलकोट टीले की खुदाई करवाई गई। छात्रों जो आहार की संस्कृति है, आहार संस्कृति जो आठ बार बनी तथा आठ बार बन गई है तथा आठ बार उजड़ी या नष्ट हुई। तो आठ स्तर प्राप्त हुए इसके। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? आठ स्तर किसके प्राप्त होते हैं छात्रों? वो आहार संस्कृति के हमें प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? आठ स्तर हमें प्राप्त होते हैं। आठ बार तो ये नगर बसा था और आठ ही बार ये जो आहार नामक स्थान ये उजड़ गया,
कारण क्या रहा? कारण अलग अलग हो सकता है, बाहरी आक्रमण भी हो सकते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बताते हैं इसके अंदर कि विदेशी आक्रमणकारियों के कारण ये नगर उजड़ गया, तथा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आहार नदी में बाढ़ आई इसके कारण ये उजड़ गया, कुछ कहते हैं संक्रामक रोगों के कारण उजड़ गया। परंतु ये प्रमाणित हो चुका है कि 8 बार नगर ये बसा था और 8 ही बार ये नगर उजड़ा। सातों आहार एक समृद्ध केंद्र भी रहा है। गुहिल वंश के शासक रावल अलहट थे, रावल अलहट द्वारा आहड़ को जो मेवाड़ की राजधानी भी बनाया गया था। तो इस प्रकार से छात्रों ये एक समृद्ध नगर भी रहा बाद में, परंतु जब ये सभ्यता विकसित हुई थी 4000 वर्ष ये प्राचीन सभ्यता है, इस समय ये 8 बार बन चुकी थी और 8 बार उजड़ चुकी थी। तो यहाँ से हमें 8 स्तर प्राप्त होते हैं छात्रों। इसके अतिरिक्त जो ये आहार है, आहार की क्या है कि उपनाम, आहार के उपनाम क्या है कि ये आहार के उपनाम है बनास संस्कृति। आहार के उपनाम, उपनाम किसके? आहार के, आहार के उपनाम। उपनाम में क्या है छात्रों? उपनाम में मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, बनास संस्कृति, बनास संस्कृति, आयर संस्कृति, आयर संस्कृति या आहार संस्कृति, आहार संस्कृति, आयर संस्कृति या आहार संस्कृति। छात्रों प्राचीन नाम, प्राचीन नाम ताम्र नगरी, अगाधपुर्व अगाधपुर्व है, लेकिन इस संस्कृति उपनाम क्या है? उपनाम छात्रों ये है इसके बनास संस्कृति। बनास नदी की जो सहायक नदी है आहड़, उसके किनारे विकसित होने के कारण क्या कहलाई? ये बनास संस्कृति कहलाई। मृतकों का टीला, ये छात्रों कितनी बार? 8 बार बनी तथा 8 बार उजड़ गई, इसलिए इसे क्या कहा गया? मृतकों का टीला के नाम से इसे जाना गया। आहड़ संस्कृति और आयड़ संस्कृति, आयर संस्कृति तथा आहार संस्कृति, ये छात्रों ये स्थानीय नाम है, ये स्थानीय जो सामान्यतः इसे आयर संस्कृति के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तविक इसका नाम क्या है? आहार संस्कृति। तो इसके नाम कितने हो गए छात्रों? बनास संस्कृति, मृतकों का टीला, आयर संस्कृति व आहार संस्कृति। तो इन नामों से भी इस संस्कृति को जाना जाता है। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये आहार सभ्यता थी, आहार सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है, आहार नामक स्थान पर स्थित है। नदी तट इसका कौन सा? आहार नदी से बेड़स नदी भी कहा जाता है। तथा प्राचीन नाम ताम्र नगरी तथा अगाधपुर अगाधपुर्व, ये किस प्रकार की सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसका उपनाम क्या है? उपनाम बनास संस्कृति, मृतकों का टीला, आयर संस्कृति तथा आहार संस्कृति इसका उपनाम। तथा ये किस प्रकार की, किस युग की सभ्यता थी? ये ताम्र युगीन सभ्यता थी। इससे यहाँ से तांबे के भारी मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए। यह लोह युगीन संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह यहाँ से लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। प्राचीनता, इसकी प्राचीनता छात्रों ये 4000 वर्ष प्राचीन थी। कितनी? 4000 वर्ष प्राचीन थी। रेडियो सी 14 कार्बन पद्धति है, उसके अनुसार ये 2000 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक ये का इसका समय बताया गया। कितना बताया गया? 2000 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक इसका समय बताया गया है। इसकी जो खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास, इसकी खोज किसने की थी छात्रों? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 ईस्वी में। कब की थी छात्रों? 1953 ईस्वी में। उत्खनन 1954 ईस्वी, उत्खनन इसका जो हुआ छात्रों को कब हुआ? 1954 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ। R.C. अग्रवाल, इसका उत्खनन किसने किया? R.C. अग्रवाल ने किया, जिन्हें रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। और R.C. अग्रवाल ने क्या किया? धूलकोट का एक टीला है, टीले का नाम क्या है? धूलकोट है। उस टीले की खुदाई की और खुदाई के अंदर से क्या निकला? सर्वप्रथम जो खुदाई की गई तथा व्यापक स्तर पर इसकी खुदाई किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। इनके बाद में जो पुनः उत्खनन होता है 1961-62 में, कब होता है? 1961-62 में होता है। ये वी एन मिश्रा व एच डी साकलिया है, इनके द्वारा जो खुदाई की जाती है। तथा राजस्थान जो सरकार है छात्रों, राजस्थान सरकार ने भी विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य प्रारंभ करवाया, यहाँ पर उत्खनन करवाया। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये सभ्यता है, ये सभ्यता उदयपुर नगर में स्थित है और 4000 वर्ष प्राचीन जो ये सभ्यता है।
छात्रों अब ये सभ्यता है, अब इस सभ्यता से जो हमें क्या क्या सामग्रियां प्राप्त हुई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों इससे पूर्व जो इसका उत्खनन का स्तर है, उत्खनन का स्तर देख लेते हैं कि इसका उत्खनन का जो स्तर है वो किस प्रकार का, अर्थात जो उत्खनन किन स्तरों पर करवाया गया है। तो छात्रों जो आहार सभ्यता है, आहार सभ्यता का जो उत्खनन का स्तर है, उत्खनन करवाया गया आहार सभ्यता का, ये तीन स्तर पर करवाया गया, तीन स्तर पर इसका उत्खनन हुआ। कितने स्तर पर उत्खनन हुआ छात्रों? तीन स्तर पर, जिसकी अभी अपन चर्चा करते हैं। उत्खनन का स्तर, उत्खनन का स्तर, उत्खनन का स्तर, छात्रों उत्खनन के तीन स्तर थे आहार सभ्यता के, वो स्तर थे स्फटिक पत्थर प्राप्त, स्फटिक पत्थर प्राप्त। छात्रों स्फटिक पत्थर क्या हुआ? स्फटिक पत्थर प्राप्त। छात्रों इसमें जो उत्खनन हुआ ये तीन चरण में हुआ, एक दो और ये तीन, तीन चरणों में इसका उत्खनन होता है। और इसमें जो उत्खनन होता है छात्रों, इसमें औजार बनाने हुए, उपकरण बनाने के काम, ये जो पत्थर थे स्फटिक पत्थर, ये औजार बनाने, औजार बनाने व उपकरण बनाने के काम आते थे, उपकरण बनाने के काम आते थे। औजार बनाने वे उपकरण बनाने के काम आते थे। अभी एक्सप्लेन करेंगे छात्रों इसको। दूसरा जो स्तर था लोह काश्य वे तांबे के उपकरण, लोह काश्य वह तांबे के उपकरण, प्राप्त। तीसरा है मृद भांड के उपकरण के प्रमाण, मृद भांड के उपकरण के प्रमाण, मृद भांड के उपकरण के प्रमाण। छात्रों जो उत्खनन का स्तर है आहार सभ्यता का, जो उत्खनन किया गया और इसका जो उत्खनन का स्तर था वो कितना था? तीन स्तर थे इसके। कितने थे छात्रों? तीन स्तर थे। पहला स्तर में क्या है? स्फीटक, स्फीटिक, स्फीटक जो पत्थर है जो ये प्राप्त हुआ, स्फीटक पत्थर प्राप्त हुआ छात्रों, ये पत्थर है, इसे स्फीटिक पत्थर भी कहा जाता है, स्फीटिक, इसे स्फीटिक पत्थर या स्फटिक पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों ये स्फटिक पत्थर है, ये प्राप्त हुए में प्रथम चरण के अंदर, प्रथम स्तर में। दूसरे स्तर में लोहे कांसे वे तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। तीसरे में हमें मृद भांड के उपकरण प्राप्त हुए। छात्रों सॉरी छात्रों जो स्फटिक पत्थर है इसके जो औजार बनाए थे, इसके इस पत्थर के औजार बनाए जाते थे तथा जो वे इसके उपकरण भी बनाए जाते थे। छात्रों एक तो ये जो पत्थर था जो प्रथम स्तर से प्राप्त हुआ, इससे औजार बनाए जाते थे और अन्य उपकरण भी इसे बनाए जाते थे। दूसरे स्तर के अंदर लोहे की सामग्री प्राप्त हुई है, कांसे की सामग्री प्राप्त हुई, तांबे की सामग्री प्राप्त हुई है तथा जो तीसरा जो स्तर है छात्रों, ये तीसरा स्तर है छात्रों, इसमें मृद भांड के उपकरण प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए छात्रों? मृद भांड के इसके अंदर उपकरण हमें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये उपकरण हमें प्राप्त हो रहे हैं किससे? ये आहार सभ्यता से। और इसके स्तर कितने थे? तीन स्तर थे, तीन स्तर थे। स्फटिक पत्थर प्राप्त हुआ प्रथम में, दूसरे में लोह कांस्य में तांबे उपकरण प्राप्त हुए, तीसरे के अंदर क्या प्राप्त हुआ छात्रों? तीसरे के अंदर जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो है मृद भांड के उपकरण में प्राप्त होते हैं। छात्रों अब हम देखेंगे कि आहार सभ्यता से हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है और वो जो सामग्री प्राप्त हुई है उसका आहार की जो सामाजिक आर्थिक जीवन आर्थिक धार्मिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा और ये संस्कृति है इससे आहार से प्राप्त सामग्रियों से हमें किन किन बातों की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राप्त सामग्री, अब आहार जो सभ्यता है उससे प्राप्त सामग्री, आहार सभ्यता से प्राप्त सामग्री,
आहड़ सभ्यता से प्राप्त सामग्री, प्राप्त सामग्री, प्राप्त सामग्री, तो क्या क्या सामग्री प्राप्त होगी छात्रों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों यहां से हमें मकान प्राप्त हो रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहे हैं छात्रों, मकान, मकान, मकान के, मकान जो प्राप्त हो रहा छात्रों, जो मकान कौन किस प्रकार के हैं, मकान जो यहाँ छात्रों ये प्राप्त होता है, ये मकान किस प्रकार से हैं, ये जो मकान प्राप्त हो रहे हैं छात्रों, ये मकान है आहार से जो छात्रों मकान प्राप्त हुआ है, ये जो मकान आयताकार है, कौन से हैं, इनका मकान का आकार, मकान का आकार, आकार कैसा है छात्रों, आकार है इनका आयताकार, आयताकार, और ये ईंटों से बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए, बने हुए किससे बने हुए, ईंटों से बने हुए, नींव में पत्थर का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग, नींव में क्या किया जाता था, पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और ईंटें कौन सी थी, कच्ची। छात्रों जो आहड़ नामक जो स्थान है, आहड़ नामक स्थान से हमें जो सामग्री प्राप्त हो रही है, उसके अंदर जो मकान हमें प्राप्त होते हैं, मकान कौन से, क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं छात्रों, मकान प्राप्त हो रहा है, मकान, तो मकान किस प्रकार के थे छात्रों, जो मकान थे ईंटों से बने हुए थे और कच्ची ईंटों से, कि कौन सी ईंटों से, कच्ची ईंटों से बने हुए थे, और आयताकार आकृति, आकृति इनकी कैसी थी, आयत के समान थी, आयताकार आकृति, इस प्रकार के जो मकान थे, किस प्रकार के, इस प्रकार के जो मकान हमें प्राप्त होते हैं, तो ये इस प्रकार के जो यहाँ से मकान प्राप्त हो रहे हैं, और इनकी जो नींव भरी जाती थी, नींव के अंदर पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, इनका नींव के अंदर क्या किया जाता था छात्रों, पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। छात्रों यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, कि यहां से चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं, क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है, चूल्हे, चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं, चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं छात्रों, तो चूल्हे किस प्रकार से हैं, चूल्हे जो प्राप्त हो रहे हैं, चूल्हे, चूल्हे छात्रों सांग, ये संयुक्त परिवार प्रथा का परिचय, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार प्रथा, परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा को बता रहे हैं, चूल्हे कैसे बता रहे हैं छात्रों को, देखिए कि इसे चूल्हे प्राप्त हुए, एक घर ऐसा है, एक घर से छह चूल्हे प्राप्त हुए, छह चूल्हे प्राप्त हुए, एक ऐसा घर था जिससे छह चूल्हे प्राप्त हुए हैं, इसके अतिरिक्त एक से अधिक, एक मकान में एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए, चूल्हे प्राप्त हुए, एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं, और एक ऐसा चूल्हा है मानव की हथेली की छाप वाला, मानव की हथेली की छाप वाला, छाप वाला चूल्हा। तो छात्रों यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, यहां से एक चूल्हा प्राप्त हो रहा है, चूल्हे प्राप्त अर्थात भोजन बनाने का प्रमाण प्राप्त हो रहा है, संयुक्त भोजन करने का प्रमाण प्राप्त हो रहा है, संयुक्त परिवार प्रथा का यहाँ से प्रमाण प्राप्त हो रहा है, क्यों प्राप्त हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक घर ऐसा था जिसमें क्या है कि छह चूल्हे प्राप्त हुए, छह चूल्हे प्राप्त होने का मतलब क्या है कि बड़ा वो परिवार था, बड़ा घर था, इसीलिए एक मकान के अंदर छह चूल्हे मिले हैं। तो यहाँ से इससे पता चलता है कि जो ये चूल्हे मिले हैं इससे संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त रूप से भोजन बनता था और संयुक्त परिवार प्रथा का भी प्रचलन था। छात्रों यदि मान लीजिए कि आपका घर बड़ा है तो उसके अंदर एक चूल्हे पर भोजन जल्दी नहीं बन सकता, तो 2, 3, 4, 5 ऐसे चूल्हे निर्मित किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा घर था जिसके अंदर छह चूल्हे प्राप्त हुए, तथा जो एक मकान में, जो मकान है हर प्रकार का मकान अर्थात जो मकान थे, मकान के अंदर एक से अधिक चूल्हे, मतलब कहीं 2 चूल्हे कहीं 3 चूल्हे इस प्रकार के चूल्हे प्राप्त हुए, इसका मतलब क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। मानव की हथेली की छाप वाला चूल्हा मिला है, एक जो चूल्हा ऐसा था जिसपे मानव की हथेली, इस प्रकार से हथेली का छाप लगा देते थे, हथेली की छाप वाला चूल्हा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। छात्रों इस प्रकार से जो क्या है कि ये मानव की हथेली की छाप वाला चूल्हा भी यहां से जो प्राप्त हुआ है। छात्रों यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है छात्रों,
जहाँ से मकान प्राप्त हुए, ठीक है, चूल्हे प्राप्त हुए, मानव की हथेली, मानव की हथेली की छाप वाला चूहा, चूल्हा की छाप वाला चूल्हा, मानव की हथेली की छाप वाला चूल्हा, मानव की हथेली की छाप वाला चूहा चूल्हा, छाप वाला चूल्हा, एक मकान से छह चूल्हे प्राप्त, छह चूल्हे प्राप्त, आयताकार मकान, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण, संयुक्त भोजन, व्यवस्था का प्रमाण, संयुक्त कच्ची ईंटों का प्रमाण, कच्ची ईंटों का प्रमाण, ये प्राप्त कहां से हो रहा छात्रों? ये आर्य सभ्यता से हो रहा है छात्रों। इसके अतिरिक्त जो यहां से जो हमें प्राप्त होता है प्राप्त सामग्री छात्रों, गोमेद पत्थर, गोमेद पत्थर, शिष्ट पत्थर, चकमक पत्थर, चकमक पत्थर, भवन, चकमक पत्थर, भवन, तांबे के उपकरण, तांबे के उपकरण, मिट्टी का बना बैल, मिट्टी का बना बैल, चक्रकूप, मिट्टी के मणि, आभूषण, मिट्टी के मणि, आभूषण, मिट्टी के मणि आभूषण,